हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरे क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आप सभी का। आज देखिए, मैं अपने बर्थडे में बर्थडे मेरे बर्थडे पे नए पौधे आए हैं। मेरे बच्चे कहने लगे, मम्मी आप पौधा ले आइए। देखिए, ये एक मीठी नीम है और ये रेड चंपा है और ये है उसको ये इंग्लिश इंग्लिश है, ये नाग चंपा है, ये मीठी नीम है, ये 9 o'clock है, ये बेगम बहार है। इसमें देखिए कैसे फूल आ रहे हैं ये भी। और कुछ लोग इसको टीपू सुल्तान भी बोलते हैं। ये बेगम बहार का पेड़ है, ये कॉशमस है, सीजनल प्लांट है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत इसके अच्छे फूल आते हैं और ये इसके सीड्स अभी तैयार हो जाते हैं इससे, तो ये कभी गार्डन से जाता ही नहीं है। ये गुड़हल है, गुड़हल है भी कैसा, ये वो वाले हैं जो वो क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े फूल निकलते हैं, जो बाहर के देसी गुड़हल नहीं है, ये बड़े वाले गुड़हल हैं। इनको हेबिटस क्या इनको बोलते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है। और ये देखिए, ये गुड़हल है, इसमें ये पत्तियाँ, इसमें रेड कलर के फूल निकलते, बहुत सुंदर लगता है जब इनके साथ में रेड, ये देख रहे हैं वाइट वाइट कैसे ये है, सेडेड लीप्स हैं इनके, सेडेड लीप्स में जो है रेड फूल आते, बहुत सुंदर लगते हैं। ये एक और पॉट है, ये देखिए, ये इसमें मेरे पास जीजी प्लांट पहले से था तो मैं इसमें जीजी प्लांट लगा करके इसको टेबल पर रखूँगी। ये निमोनिया प्लांट्स है, ये देखो कितना बड़ा सा है निमोनिया प्लांट्स। ये एक लोनिमा है, बहुत सुंदर इसके लीव्स रहते हैं, देखिए हुआ है। ये एक जोरा है, ये हवेलिया है, ये देख रहे हैं हवेलिया का प्लांट कितने सुंदर, देखें इसमें फूल दस तरह से निकले हैं, अभी खिला नहीं है उनको। और ये देखें जिसमें रेड रेड सॉइल है, देख रहे हैं इसको, इसको यहाँ पर रेड सॉइल रखते हैं जिसमें जो है डेवलप नहीं होते। इसको रात भर क्या करेंगे, इन दोनों को पानी में डाल दूँगी, ऐसे करके इनकी सारी ये मिट्टी सब निकाल दूँगी जो अपने यहाँ की सॉइल में, फिर इसको फिक्स करूँगी। तब इसके बाद में कई दिनों तक छाया में रखूँगी, इसके बाद में तब धूप में ले जाऊंगी। धूप में क्या है, वो उसमें ग्रीन चट लगा रखी मैंने जब में, तब उसके बाद में रखूंगी। और ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स, मेरे बर्थडे गिफ्ट मेरा ये आया हुआ है। अब मैं इसमें जा रही हूँ ये मीठी नीम इसमें ट्रांसफ़र करने। हाँ, ये 2 बोरी खाद दी है, 2 पैकेट खाद दी है इसमें। अभी मैं इसमें काट के थोड़ी सी खाद मिलाऊंगी, मिलाने के बाद में फिर इसमें मीठी नीम लगा दूंगी। ये दोस्तों देखो, मैं इसको जो है काटूँगी, मैं ऐसे काट देती हूँ, काट के ऐसी इसकी सॉइल बिल्कुल ऐसे पॉलीथिन निकाल के और एज ए टू ऐसे ही रख दूँगी इसको, ये ऐसे करके रख दूँगी। ये ऐसे इसमें थोड़ा सा खाद मिला लिया है, बच्चों ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे, इसको ऐसे करके इसमें लगा देती हूँ। मेरा हो गया बर्थडे, मेरे क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर जरा भी अच्छा लगा हो कि इसको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।